नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिस्ट्री टीवी के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हम सबको रुझाने रुझाने और अपनी तरफ आकर्षित करने वाले नागमणि के बारे में। नागमणि को भगवान शेष नाम धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़े को वो खा सके। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण होते हैं। नाग मणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सर पर मणि है। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह से एक नाग से सामना हुआ था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सर्पमणि, जिसे नागमणि भी कहते हैं, ये विशेष नाग के सिर पर स्थित होती है। ज्योतिष शास्त्र के एक प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में जो उल्लेख मिलते हैं, उसके अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद है। चूँकि ऐसे नागों का मिलना दुर्लभ होता है, इसलिए कहा जाता है मणिधारी नाग नहीं होते। अब सच जो भी है, लेकिन बृहत संहिता में नागमणि के बारे में कई रोचक बातें बताई गई हैं, जो इस बात को सोचने पर विवश कराती हैं कि क्या वास्तव में नागमणि होता है। नागमणि के बारे में कई बातें कही गई हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या लिखी गई है, चलिए हम आपको बताते हैं। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ ये होती है वहाँ आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखाई देती है। ये मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता है, ये रोग से मुक्त होते हैं। वराह मिहिर बताते हैं कि जिस राजा के पास ये मणि होती है वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। इनके राज्य में समय से वर्षा होती है, प्रजा खुशहाल रहती है। इस तरह की कई बातें वरामहीर इस तरह की बात इसलिए लिखते हैं कि उन दिनों राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये थी कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई नागमणि से। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि नागमणि आखिर होता क्या है। लेकिन हाँ, इस बात पर अभी संदेह है कि नागमणि वास्तव में है या नहीं, क्योंकि उसको किसी ने देखा है ऐसा प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रंथों लेखों की बात करें तो हाँ, हमारे किस्से कहानियों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख जरूर है कि नागमणि होते हैं। चलिए, अगर आपका कभी नागमणि से पहला पड़े आप देखे तो हमें जरूर लिख भेजिएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ दिन।